Opera. الله لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الباطل والدامع صولات الأضاليل حبيبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعتدى لعدوهم صلاة السلام وأغلالا وسعيرا فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم الذين اشتروا الزلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال عز من قال بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد إنساني ضرورتوں میں سب سے اہم ضرورت انسان کی ضرورت ہدایت ہے اپنے وجود کے ساتھ ساتھ انسان ہدایتوں کا محتاج ہے اور جب تک انسان کی حیات ہے بلکہ لفظ بدل دیں انسان کا وجود ہے اس وقت تک یہ محتاج ہدایت ہے اللہ نے جب اسے پیکر وجود عطا کیا تو اس پیکر وجود سے پہلے اس کی ہدایت کا انتظام کیا انہیں ہدایتوں کے مطابق انسان نشو و نما پاتا رہا اور ایک قطرہ حقیر سے یہ انسان اپنی منزلیں طے کرتا ہوا منزل کمال کی طرف جاتا ہے وہ کمال کہ جس کمال کا مطالبہ انسان سے کیا گیا ہے ہدایت کا انتظام بھی خالق نے اپنے ذمہ رکھا ہے
एक मामूली सी मिसाल है यह कि ये इंसान कैसे जिंदगी बसर करे, किस तरह से अपनी हयात के लम्हात को सर्फ करे, इसका हिदायत नामा कौन मुरत्तब करे, कौन रहनुमाई करे। दुनिया में छोटी सी छोटी मशीन बनती है तो मशीन के बनाने वाले की जिम्मेदारी ये होती है कि उसका तरीका इस्तेमाल वो खुद तय करके बताए। कोई छोटी सी मशीन भी आप लेने जाए तो उसके साथ एक किताबचा होता है जिसने मशीन बनाई है वो बताएगा कि उस मशीन का इस्तेमाल कैसे होगा। और अगर किताब समझ में ना आए, किताब समझ में ना आए तो जाहिर है कि उस किताब को हर एक नहीं समझाएगा। किताब के यानी मशीन के साथ दो चीजें होती हैं। जब मशीन का इस्तेमाल समझ में ना आए तो किताब पढ़ो, जब किताब ना समझ में आए तो कंपनी से आदमी बुलाओ। किताब को भी नहीं समझा सकता तो मसला जब इतना है आसान सा और सब जानते हैं और समझते हैं और शब रोज का तजर्बा होता है तो ये इंसान जो एक आलम अकबर है, आदमी तो समझता है एक मामूली कीड़ा है लेकिन मौला कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाया कि अतज़मुनक जर्मन सगीर वफीकन तवल्ला आलम अकबर। तुम अपने को एक हकीर कीड़ा समझते हो, तुम्हारे वहां अंदर एक आलम अकबर पोशीदा है। चंद पुर्जों की मशीन तो इंसान समझ नहीं पाता। एक आलम अकबर है जिसके अंदर पोशीदा, उसकी रहनुमाई के लिए कैसे रहनुमा की जरूरत है। अगर गलत हिदायत करने वाला होगा बिल्कुल वैसे ही है जैसे गलत तरीके से मशीन का इस्तेमाल करना मशीन को जला देता है, उसी तरह से इंसान जल जाता है, कमाल की तरफ नहीं जानता। वार कर रहा था इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है रहनुमाई, हिदायत। अब यह हिदायत किसकी तरफ से हो इसके सिलसिले में कुरान मजीद ने बहुत से बयान दिए हैं। अब इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये चाहता है कि बेहतर से बेहतर जानने वाला। रोजमर्रा की जिंदगी जो बसर करता है यानी जिसका ताल्लुक आसमानी हिदायत से नहीं भी होता है वो भी ये चाहता है कि हमारे मामलात को वो तय करे जो बेहतर से बेहतर जानने वाला। किसी से भी पूछना नहीं चाहता है जब तक कि ये न जाने कि ये बेहतर जानता है। कुरान मजीद ने इस मसले की तरफ मुतवज्जे किया हिदायत के सिलसिले में, अफमन यहदी अलल हक हक युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला युहदा फमा लकुम कैफ तहकुमून। उसको ज्यादा हक हिदायत है जो खुद मोहताज हिदायत नहीं है, या वो के जो खुद मोहताज हिदायत है। तुम फैसला करके बताओ किसकी पैरवी करोगे, उसकी उससे हिदायत चाहोगे जो खुद मोहताज हिदायत हो। सुभान अल्लाह,
या हक की तरफ हिदायत करने के लिए उसकी मदद चाहोगे कि जो खुद मोहताज हिदायत नहीं है। फमा लकुम कैफा तहकमून। अब ये कुरान मजीद ने जहन इंसानी को झिझोड़ा है, तुमको क्या हो गया, कैसे फैसले करते हो। देखिए कुरान मजीद का ये मिजाज है कि कुरान मजीद ने उसूली गुफ्तगू जहां भी की है वहां कानून बनाकर गुफ्तगू नहीं की है, वहां कानून नहीं बनाया है उसने, उसने हिदायत की है, उसने ज़हन इंसानी से कुछ सवाल किया है, उसने सवाल करके गोया इंसान के हवाले किया कि तुम खुद तय करो। बहुत से सवाल आते हैं, कानून नहीं बनाया उसने, लेकिन इंसानों से इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि कुरान मजीद सिर्फ कानून की किताब नहीं है, कुरान मजीद किताब हिदायत भी है और किताब कानून भी है। हिदायत करता है कुरान मजीद तमाम इंसानों की, कानून देता है सिर्फ साहिबान ईमान को। मुताला करें आप, वो जब कानून बयान करता है तो सारी दुनिया के इंसानों से नहीं कहता, लेकिन जब हिदायत करता है तो अक्ल इंसानी को खिताब करता है और तमाम इंसानों से गुफ्तगू करता है इस लबो लहजे में कि तुम खुद गौर करो। इस फर्क को अगर पहचाने, देखिए मैं जानता हूं कि आप इस किस्म के की तकरीर सुनने के आदी नहीं है, आप उसके आदी नहीं है और मैं उसका आदी नहीं हूँ। बताओ बेहतर से कुरान मजीद जब पूरे इंसानों को खिताब करता है या युहन्नास कहता है तो सारी बातें कहता है, लेकिन वो कानून के लबो लहजे में नहीं कहता, कहता है सोचो, इंसानी जहन के हवाले कर देता है, यानी अब उसको अख्तियार है कि सोच कर कबूल करे या रद्द कर दे। बहुत सी आयतें सुनते रहते हैं आप, हल यस्तविल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून। ये फिक्र इंसानी को खिताब है, कानून नहीं है ये, क्या जो जानने वाला है और जो नहीं जानता है दोनों बराबर हो सकते हैं, ये तुम खुद फैसला करो। अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तविल्लज़ीन। उसने एक फैसला सुना दिया, तुम खुद गौर करो, मोमिन फासिक दोनों बराबर हो सकते हैं। तो इस तरह की बहुत आयतें कुरान मजीद में जिसका ताल्लुक हिदायत से है सारी दुनिया से, कबूल करते जाओ मसले मरहले तय करते जाओ, जब मुतमईन हो जाओ और मोमिन हो जाओ, जब मुतमईन हो जाओ और मोमिन हो जाओ तब वो पुकारता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व अउलुल अमर मिनकुम। साहिबान ईमान, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो, साहिबान अम्र की अताअत करो, सबसे नहीं कहा उसने, इसलिए कहता कैसा, हुक्म उसको दिया जाता है जो हाकिमियत को तस्लीम कर ले। जब हाकिमियत को तस्लीम ही नहीं किया है उसने तो उसको हुक्म कैसे देगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। हे साहिबान ईमान, तकवा इख्तियार करो, बेईमानों से तकवे का मुतालबा नहीं है, जहाँ ईमान नहीं है वहां तकवे का मुतालबा क्या किया जाएगा, तकवे का मुतालबा ही है साहिबान ईमान, तकवे का सिलसिला तो वहीं से शुरू होता है। तो मैंने अर्ज किया, अब जब ये बात समझ में आ जाए तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो आसान है। अब कुरान मजीद ने यह बात भी बहुत आम सी बात है बज़ाहिर, लेकिन अक्ल इंसानी के हवाले किया है, कानून नहीं बनाया। अफ़मन यहदी अलल हक़ अहक्क अन युत्तबा। जो साहिबान हिदायत है वो ज्यादा मुस्तहक है कि उनकी पैरवी की जाए, या वो कि जो खुद मोहताज हिदायत है।
अगर इतनी बात जहन में इंसान के रह जाए तो तशखीस है हादिया ने दीन में कोई अख्तिलाफ ही ना हो। सुभान अल्लाह कौन होना चाहिए इससे हिदायत हासिल करें? कौन बताएगा? अब मजहब तो बेचारा इतना सदर इस्लाम से मजलूम है। कोई मसला अगर फर्ज कर लीजिए कि मेडिकल का हो, कोई नहीं कहता बीच में आके, जानता है कि भाई इस शोबे से हमारा ताल्लुक नहीं है। इंजीनियरों की जितनी किस्में हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमें जरूरत होती तो उससे पूछते हैं। मेडिकल का मामला है तो जो उसका स्पेशलिस्ट है उससे पूछा जाता है। हर शोबे में हाथ यह है कि लोहार और बढ़ई तो अभी अपने अपने शोबे में, अगर उनसे भी कुछ कहिए तो कहेंगे आप जब जानते नहीं तो बोलते क्यों। सीधी सी बात, और हर आदमी तस्वीर करेगा भाई आपसे क्या मतलब, आप इसको समझते नहीं, बिजली का काम है। हर आदमी जो उसका माहिर है, जो उसमें दस रखता है, जो चीज उनको जानने वाला, मगर मजहब एक ऐसी मजलूम सब्जेक्ट है कि नाई धोबी कसाई सब दाखिल। हर शख्स, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है, कोई लफ्ज ले लें मसा मोमिन का लफ्ज ले लें, हर शख्स के पास एक तशरीह है मोमिन कौन होता है। अच्छा, ये बिदात तो शुरू से चली है कि लफ्ज कुरान से लेंगे तशरीह अपनी रखेंगे। सारा बिगाड़ दीन और इस्लाम में इसी से पैदा हुआ है, लफ्ज नहीं छोड़ते, लफ्ज वही लेंगे। ये मिजाज हसबुना का मिजाज है, हसबुना का मिजाज है, लफ्ज वहां से लेंगे तशरीह अपनी रखेंगे। जो जानता है, जो मोहताज हिदायत है, दोनों में फर्क है ही नहीं है। मोहताज हिदायत कैसे होते हैं तो फौरन ही मालूम हो जाता है, ये फौरन मालूम हो जाता है। अब यह अलग बात है कि अपने जोम में यह इंसान तय कर ले कि हम मोहताज हिदायत नहीं है और फैसले सुनाता चला जाए, तो उसका हश्र वही होता है कि बड़े दरबार में उठकर एक औरत भी टोक देती है और उसको कहना पड़ता है कि मुझसे ज्यादा पर्दे में रहने वाली औरतें जानती हैं, तो जब वो जानती हैं तो वो हिदायत करेंगी कि तुम हिदायत करो। यही सब छोटी छोटी बातें हैं हुजूर वाला, जो हमारे सामने आती है तो उससे मालूम होता है कि इंसान न जानने के बावजूद मुद्दई बन जाता है रहनुमाई का, जबकि रहनुमाई असल काम ही, असल काम ही यह है कि रहनुमाई हो इंसान की, और वो अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे रखा है, किसी की आंखों के हवाले नहीं किया, किसी की फिक्र के। जो दरमियान में मैं एक जुमला कहना भूल गया था, मैं जो कहना चाहता था वो यही है, दो मरहले हैं, एक मरहले हिदायत है और एक मरहले कानून है। अल्लाह जब हिदायत के लबो लहजे में गुफ्तगु करता है तब फिक्र इंसानी आजाद है कि गौर करे। कुरान मजीद में जो आयतें हैं, अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते, इतनी बात सबको याद रहती है। अल्लाह ने हमको इजाजत दी है फिक्र करने की, अल्लाह ने कहा है गौर करने के लिए, ये तो सब जानते हैं, मगर कहां 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 है। अगर कुरान मजीद के दो लबो लहजे को इंसान पहचान ले तो बात समझ में आ जाती है। जब अल्लाह हिदायत के लहजे में बात करता है तो तुम्हें हक है कि गौर करो, तुम्हें हक है कि फिक्र करो,
लेकिन जब हुक्म के लहजे में बात करता है तब हक नहीं है। कुरान मजीद की कोई आयत जो हुक्म इलाही से मरबूत हो उसके बाद कुरान मजीद ने कहीं नहीं कहा कि क्यों नहीं गौर करते, समझ रहे हैं? अब अगर तकसीम करना चाहे तो हम उसको तकसीम करके सीधे लफ्जों में कहते हैं, जब उसूल दीन का मामला हो तो तुम्हारे फिक्र के हवाले, जब उलूहियत से गुफ्तगू हो, वहदानियत से गुफ्तगू हो, जब रसालत से गुफ्तगू हो, जब कयामत से गुफ्तगू, ये सारे मसाइल जब उसूल के छिड़े और करो, जी चाहे तो कबूल करो। अगर अकल तस्लीम करती है तुम्हारी तो कबूल करो, नहीं तो बाहर ही रहो। और जब कुरान मजीद कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, तो उसकी सरहद भी यही है, जब तक तुम कलाए इस्लामी में नहीं दाखिल होते उसूल को तस्लीम करके, तब तक कोई जबर नहीं है। इंसान एक एहतियात रखता है, कहीं किसी से कुछ कह दीजिए, आप ये क्यों नहीं करते, मैं कहा साहब दीन में कोई जबर है? दीन में तो जबर ही नहीं है, जो चाहे करें। है दीन में जबर, उसूले दीन में जबर नहीं है। कोई अल्लाह को माने या ना माने, इसमें कोई जबर नहीं। रसालत की गवाही दे ना दे, इसमें कोई जबर नहीं। ये सब मान लिया, अब मानने के बाद अब मोमिन हो गया, अब लहजा कुरान का बदल गया, अब लहजा कुरान का बदला, अब कानून चलेगा। और कानून यानी शरीयत, शरीयत का मामला जैसे ही आएगा, तुम कानून है शरीयत को अपनी अकल से तय नहीं कर सकते, अपने शौक से तय नहीं कर सकते, अपनी दिलचस्पी से तय नहीं कर सकते। सारी दुनिया में यही होता है। हमारे हिंदुस्तान में गाड़ी बाएं तरफ चलती है ना, अमेरिका में हम जैसे ही उतरे हमने कहा अकल में मेरे नहीं आता कि दाहिनी तरफ क्यों चलती है। कहा आपको अपनी अकल वही हिंदुस्तान में रखते है, जब यहाँ आए तब तो यही अकल आपको तस्लीम करना पड़ेगी। आप इस मुल्क में आए ना आए, ये आपके फिक्र के हवाले, लेकिन यहाँ आने के बाद इसके कानून को आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसकी कानून शिकनी जो है वो लायक सजा बनेगी। तो आपने देखा, यानी उसूल को मानने ना मानने में हम आजाद थे, लेकिन जब हुदूद के अंदर आ गए तो कानून शिकनी जुर्म कहलाती है। आ गए तो कानून शिकनी जुर्म है। मुसलमान बनो ना बनो ये तुम्हारा इख्तियार है। तुम दिन कम वाले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है, कोई जबर नहीं। लेकिन जब तुम बन गए, अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम अपने अकल के मुताबिक, तुम्हारी अकल और अल्लाह का कानून है। रोज भर रहा होता है हमारा स्कूलों में होता है, यहां का गुजरने वाला नया साल शुरू होने से पहले दीवारों पर इश्तहारात लग जाते हैं, हमारा स्कूल ऐसा, हमारा स्कूल ऐसा, हमारा स्कूल ऐसा, ऐसा ऐसा, ये सब क्या चल रहा है, ये हिदायत चल रही है। 10 स्कूल के इश्तहार देते हमने एक चॉइस किया, चॉइस करने के बाद वहां बच्चे को ले आके दाखिल कर लिया। जैसे ही दाखिल किया उन्होंने किताब पकड़ा दी, पढ़ लीजिए, अब पढ़ रहे हैं, फीस इतनी होगी, ड्रेस ऐसा होगा, यूनिफॉर्म ऐसा होगा,
फला दिन का ड्रेस ऐसा होगा और फला दिन का ड्रेस, मैंने कहा ये सब क्या है, बस काम चलता है। जब तक उस अदारे में नहीं आए इख्तियार है, इकराह नहीं है, जबर नहीं है, लेकिन जैसे ही आ गए ये पाबंदी करना पड़ेगी, ये पाबंदी करना पड़ेगी, ये पाबंदी करना पड़ेगी, ये नहीं होगा तो ये फाइन होगा, ये फाइन होगा, ये फाइन होगा। अब हम कह रहे हैं कल तक तो खुशामद कर रहे थे इश्तहारों से, क्या कह रहे हैं, हाँ ये जबर का डंडा चला रहे हैं। उनका जी हाँ, जब तक आप नहीं आए थे ये आपका इख्तियार था, लेकिन अब आप आ गए, अगर ये सब होता रहेगा तो फाइन होगा और फिर हुदूद से आगे बढ़ेंगे आप तो बच्चे का नाम भी कट जाएगा, और जैसे ही नाम कटा फिर आप आजाद है। हम पूछते हैं कि इस्लाम के कानून से कैसे बच सकते हैं, उन्होंने कहा दो ही शक्लें हैं, या पागल बन जाओ बाहर चले जाओ। कानून से बचने और यह अपने इमाम ने फरमाया था मुल्क खुदा से बाहर चले जाओ, क्या खुदा से बाहर चले जाओ भाई। अगर आपको यहाँ दाहिनी तरफ गाड़ी नहीं चलाना पसंद है तो इस मुल्क से बाहर चले जाओ, वही जवाब तो था मासूम का। मासूम से किसी ने पूछा कैसे बच सकते हैं, कहा मुल्क खुदा से बाहर चले जाओ, जो चाहे करो। सराय तलाश करते फिर सर तलाश कर रहे हैं। तो यह है हुजूर वाला कानून। अब वहां आकर के हुदूद बताए गए, दायरे कार क्या क्या है, इंसान अपने हकों पर बड़ा नाजा है। हुजूर है सरवर कायनात पैगंबर इस्लाम, को खिताब करके कुरान मजीद नहायत मौजूद है। अल्लाह कायनात ने इरशाद फरमाया जाल्ला का आला शरीयत मिन अलाम फतबिहा, पैगंबर हमने आपको एक कानून का पाबंद किया, आप उसकी पैरवी कीजिए। वला तत्तबिअ हवाल्लज़ीना याअलमून, और जो लोग नहीं जानने वाले हैं उनके ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। क्या पैगंबर से इम्कान था इसका कि बातिल के ख्वाहिशात की वो पैरवी करते, या कानून शरीयत को तर्क कर देते, इसका इम्कान था, इम्कान नहीं था। मगर आयत का खिताब पैगंबर को बराह रास्त किया, और इसके अलावा और वजह क्या हो सकती है कि जब कभी कोई मुसलमान सोचे इस मसले को तो उसको एहसास हो जाए कि पैगंबर को भी छूट नहीं दी गई है, एक मुसलमान की अहमियत क्या है और उसकी औकात क्या है, कि उसको इस बात की इजाजत दी जाती कि वो अक्ल इस्तेमाल कर। पैगंबर को खल्लाक कायनात ने अक्ल मुजस्सम करार दिया, अक्ल मुजस्सम। इसका हदीस सुनते हैं आप, पैगंबर ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलकल्लाहुल अक्ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया, और फिर इरशाद हुआ अव्वलु मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। तो पहले तो एक ही होगा, लेकिन पहले फरमाया कि पहले अक्ल को पैदा किया, फिर फरमाया पहले मेरे नूर को पैदा किया। तो ये मुतजाद गुफ्तगू नहीं है, एक ही हकीकत की दो ताबीरें हैं, हकीकत की दो ताबीरें हैं। जो हकीकत नूर है वही हकीकत अक्ल है, और उस हकीकत मुजस्सम का नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Yeah.
जिसे अकल कुल और अकल मुजस्सर करार दिया गया है। बेहतरीन बात तो मेरे समझ में यही आती कि पैगंबर को सिर्फ भेजा जाता, ये किताब किताब क्या, ये कानून वानून क्या। पैगंबर को अल्लाह भेजता और कहता कि हमने आपको अकल मुजस्सम बना दिया है, उसी के मुताबिक हिदायत करते रहिए। जिसको आप बेहतर समझे आपकी अकल, वही बता दीजिए लोगों को। लेकिन उस अकल मुजस्सम के साथ कानून शरीयत भी आया, और उस कानून शरीयत की पाबंदी इतनी बताई गई कि आपको इसी का पाबंद होना है। ख्वाहिशात जाहिला की इत्तबा नहीं करनी है। ज़हर पैगंबर से नहीं कहा जा रहा है, खिताब पैगंबर को किया गया है, खिताब पैगंबर को किया गया है। मुसलमान इस बात को याद रखे। अजीब बात है, लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी न करिए। लोगों के ख्वाहिशात ही का नाम तो जमहूरियत है। और जमहूरियत होता क्या भैया, 50% 51% 51% ने कहा शराब हलाल है, तो हलाल हो गई। दूसरी बार काउंटिंग हुई, मालूम हुआ 49% कह रहे हैं कि हलाल है। तो यहाँ तो ऐसे ही चलता रहा था, वहां मसला ही नहीं है। मसला यह है कि ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए, ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। कौन न करे, वही लोग जो कानून शरीयत को अपनाने वाले हैं, जो कानून शरीयत को अपनाने वाले हैं, जिन्होंने कलमा अल्लाह का पढ़ा, उसकी हाकिमियत का कलमा पढ़ा, तो सारी हिदायतें उसी किताब में, सारी हिदायतें उसी शरीयत के अंदर है। अब इस शरीयत की वजाहत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो उसी को होगी जो इसका जानने वाला हो। हिदायत इन नौ इंसानी की वही करेगा जो खुद मोहताज हिदायत न हो। मोहताज हिदायत का मतलब सारे राज मशीयत का जानने वाला हो। सारे राज मशीयत का जानने वाला हो। देखिये बात यही है, ख्वाहिशात बातिल की पैरवी ही रिक्स है। रिक्स क्या है, ख्वाहिशात बातिल की पैरवी रिस है। जब किसी गरोह के बारे में मालिक कायनात कहता कि इनसे हर तरह का रिस दूर रखा है, हमारा आयत मसला है कि हम जब जल्दी जल्दी तर्जुमा करते हैं आयत कुरानी का, तो जब तरस तर्जुमा हो जाता है। कुरान मजीद में जो आयत तथीर है जिसे बराबर हम पढ़ते और सुनते रहते हैं, उसमें तहारत के मुकाबले में हमारा कौन सा लफ्ज बोला जाता है, तहारत। ये हम हमेशा बोलते हैं ये नजस है, ये ताहिर है, तहारत नजासत, नजासत तहारत। लेकिन आए तथहीर में तहारत के मुकाबले में लफ्ज नजासत नहीं बोला गया है। नमा यूरीदुल्लाहान रिच्सा, रिच तो रिच क्या, रिच बहुत वसी मफहूम रखता है, बहुत वसी मफहूम है रिच का। इन्नम अल-खम्र वल-मैसर वल-अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। हो सकता है कि एक इंसान आलूदा रिच हो, नजिस ना हो। मैं वहां चला वजू करके नमाज पढ़ने के लिए, रास्ते में बड़े मुखलिस साहब आप ऐसे ही होते हैं ना, उन्होंने कहा आइए आप ताश खेल लीजिए। हाँ आजकल तो ऐसे ही होता है, वही मुखलिस होते हैं। कहा भाई तुम सलीमा कैसे चलेगा, क्या करें, दोस्तों ने इतना इसरार किया, अखलाकन चले गए। तो इस तरह के सारे काम अखलाकन हो जाते हैं।
हम हट के खेलने लगे, आधे घंटे तक खेलते रहे, उसका फुर्सत मिली या फुर्सत ले ली, नमाज पढ़ सकते हैं नहीं। तो नजिस तो नहीं हुए लेकिन आलूदय रिच हो गए। चोरी करने वाला नजिस हो जाता है, चोरी करने वाला नजिस तो नहीं होता लेकिन आलूदय रिच हो जाता है। जिस तरह से नजासत की तहारत की जरूरत होती है, उसी तरह से रिज से आलूदा होने के बाद तहारत की जरूरत होती है। ये तो जब एहसास होगा, नजासत का मामला भी यही है सूर्य वाला। हर आदमी नजासत से परेशान नहीं होता, हर आदमी नजासत से कहां परेशान होता है, छीट पड़ गई पड़ गई, परेशानी तो उसको है जिसे नमाज पढ़नी है। जिसे तहारत का कोई काम ही ना होगा उसको नजासत से क्या परेशानी, क्या। जिसको नजासत से परेशानी है उसको कानून तहारत पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हम सब के साथ उस्तादुल असातिज़ा मौलाना इब्न हसन साहब नानावी तबसरा फरमाते थे कि फुकहा ने तो ये लिखा है कि ये पानी से पाक हो जाएगा, ये इससे पाक हो जाएगा, इससे पाक हो जाएगा, एक तरकीब और है पाक करने की। उन्होंने कहा कि आपका क्यों छीट पड़ गई है, उनका या नजीस हो गया, उनका तो आजकल तहारत यही चलती है। तो कानून है तहारत आलूदा है, नजासत हो जाए तो उसका फुकहा ने लिखा, लेकिन आलूदा है रिच हो जाए, चोरी की है। मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास उनका चाहने वाला आया, वाकई आपका सुना हुआ है, मैं तो आलूदे रिच को समझाना चाहता हूँ। आने के बाद उसने कहा ताहिर नहीं या मौला, मौला हमें पाक कर दीजिए। अच्छा हमसे कहता तो हम तो यही सोचते कहते यहाँ कहाँ चले आ, वहाँ पानी रखा हुआ। उन्होंने कहा मिम्मा ताहिरक, किस चीज से पाक कर दूं। उसने कहा अन सरका, हमने चोरी की है, उसे पाक कर दे। जरा आप और करें, मैंने अभी क्या कहा था, जिसे नमाज पढ़नी है उसको तहारत की जरूरत है। जो नमाज की अहमियत को समझता है या जो जो भी तहारत का मुतालबा है उसे परेशानी होती है कि हम नजिस हो गए। तो जिसे वाकई नजाते उखरवी की फिक्र होती है उसका दामन जब आलूदे रिच होता है तब भी तहारत की फिक्र होती है। वो कह रहा हमने चोरी की है, इसका क्या कानून है तहारत है। हमने तो नहीं पढ़ा कानून है तहारत। मौला पूछ रहा है किस चीज से तुझे पाक कर दूं, तो कहा सर का मैंने चोरी की है, इतवा में हुज्जत किया, उसका तलवार मंगा। एक बार पूछा, अब ये अकरारी मुजरिम है, तलवार मंगा ली और उसकी उंगली तराश थी। और करें उसे फिक्र थी कि हम आलूदे रिच हो गए, आलूदे रिच हो गए तो हमें पाक होना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह से तहारत का कानून जानने वाला और जरूरत तहारत जानने वाला परेशान होता है। अभी हमें फला जगह जाना, अभी मस्जिद में जाना है, अभी मसल नमाज पढ़नी है, और हम किस तरह से वो भी परेशान है। अब आप पहचान रहे हैं, अगर इंसान इन तमाम मसाइल पर तवज्जो रखता है तो शरीयत उसको तलाश नहीं करती, वो कानून शरीयत को तलाश करते। नजात उखरवी की फिक्र है, अगर उसे नजात की फिक्र है,
अगर उसे हयात तजर्बा की जरूरत है तो उसे खुद तलाश होती। वो आ गया, बोला आलूदा रिश्त हो गया हूँ, मुझे तलाश दी। और इसके पास कहा जाता है, आप सुनते रहते हैं कि मौला ने उसकी हथेली पर तराशी हुई उंगली रख दी और वो चला तो बाजार में कसीदा पढ़ता जा रहा था। मौलाए कायनात का कसीदा पढ़ रहा था। और सुनने वालों ने जब सुना तो जाहिर का हर तरह के अफराद थे, सिने का तू अजीब है, क्या अली ने तेरी उंगली तराश दी और तू उनका कसीदा पढ़ रहा, उनकी तारीफ कर रहा। कहा क्यों ना उसकी तारीफ करें जिसने हमें दुनिया में भी पाक कर दिया और आखिरत के लिए भी। सिलसिले में कहा जाता है कि मौलाना फिर उसे बुलाया, बुलाने के बाद से उसके हाथ पर रुमाल रखा। एक मरतबा बारगाह इलाही में दुआ की, रुमाल हटाया, उंगली जुड़ गई थी। अब यहां से लोगों को फिक्र पैदा होती है कि जब जोड़ना ही था तो काटा क्यों था। क्या कहने, जब जोड़ना ही था तो काटा क्यों था। लेकिन बताया जा रहा है कि कानून की जरूरत अपनी जगह है, मोहब्बत का सिला अपनी जगह है। तो ये कानून है हुजूर वाला आलूदे, मैंने अर्थ किया ना आलूदे रिच ना हो। रिच क्या, हर वो बात जो मिजाज मशीयत के खिलाफ हो। जामे तारीफ की, हर वो बात जो मर्जी इलाही के खिलाफ हो वो रिच है। और जब तहारत के मुकाबले में रिच का इस्तेमाल किया गया तो उसका मतलब यह है हर वो बात जो मिजाज मशीयत के खिलाफ है वह अहले बैत के पास आने ही नहीं पाती, उसका गुजर ही नहीं होने पाता। जो मर्जी इलाही, यही मतलब है वमा तशाउन इल्ला इंशाअल्लाह, यही मतलब है। वही चाहते हैं ना कि जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है यही चाहते हैं। कोई चीज आने ही नहीं पाएगी जो मिजाज इलाही के खिलाफ है। बाद लोगों, अब ये गुफ्तगू है मेरी, बाद लोगों को इस बात का शिकवा था, फला अहले बैत के पास नहीं आया, फला अहले बैत के पास नहीं आया, फला अहले बैत का। ये शिकवा भेजा है इसलिए को तो अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि रिच किन के करीब नहीं है। कुछ चीजें वो होती है हुजूर वाला जो पाक हो जाती है, कुछ चीजें वो होती है जो पाक हो ही नहीं सकती, कुछ चीजें जो होती है वो पाक हो ही नहीं सकती। कानून तारत तो अपनी जगह पर है ही, तो मेरा रुमाल नजीस हो गया पाक हो जाएगा। हमने मुफ्ती शहर से पूछा, उसने कहा अब ये सारी इस्तेलाएं अपनी, आप कलील से ऐसे हो, आप कसीर से ऐसे हो, आप जारी से ऐसे, एक रुमाल है ना इससे हो गया था पाक हो गया। पानी में सलाहियत है पाक करने की, रुमाल में सलाहियत है पाक हो जाने की। रुमाल में सलाहियत है पाक हो जाने की। उसने कहा था इस पानी से पाक कर लो, मैं पाक कर लिया। दूसरे दिन फिर एक रुमाल नजीस हो गया, पानी तो नहीं मिला, एक बोतल गुलाब का रख रखा हुआ था। हमने कहा इसको इससे पाक कर लो, मैंने कहा नहीं पाक नहीं कर सकते इससे। मेरा पी ले, कहा पी जाओ, क्या मतलब हुआ पी ले, हाँ पी सकते हो, इससे रुमाल पाक कर ले, कहा नहीं रुमाल नहीं पाक कर सकते। अब इसकी सब इस्तेलाह है, उनका ये नहीं खालिस पानी नहीं है। क्या कहते हैं, कहते हैं पी तो सकते नहीं, पाक तो है, लेकिन पाक करने की सलाहियत नहीं है। आपने देखा रुमाल में पाक होने की सलाहियत है, इस पानी में
जो गुलाब का पानी है पाक करने की सलाहियतें उस पानी में और इस पानी में फर्क क्या है। ये तो ज्यादा अच्छा है, खुशबूदार भी है, सब कुछ है उनका लाख हो, लेकिन ये इंसान का बनाया हुआ है। जो नारायण गाएगा वो मन की मुराद पाएगा। नारायण तो कभी पाक करने वाली चीज में सलाहियत नहीं होती, पाक तो है, इसीलिए दो लफ्ज इस्तेमाल की जाती है हमारा, एक लफ्ज ताहिर और एक लफ्ज मुतहिर। ताहिर यानी पाक, पाक है लेकिन वो पाक भी करे, मुतहिर जो खुद पाक हो। पाक ये तो हो ही नहीं सकता कि खुद पाक ना हो दूसरे को पाक करे। तो अगर ऐसा पाक करने वाला आ गया तो सबका किस्सा पाक हो जाएगा। तो रुमाल में पाक होने की सलाहियत है, आप खालिस में पाक करने की सलाहियत है, रुमाल में पाक होने की सलाहियत है, लेकिन अरक गुलाब में पाक करने की सलाहियत नहीं है। ये समझ में बात आ गई। एक जानवर है लेके आया कुत्ता, चाहे यहां कितना ही मोहतरम हो जाए। क्या बात है, लेकिन वो है ना, जिस देखा मुफ्ती शर्मा ने ले नजीस यहाँ कहा ले जाओ। मैं अच्छा नजीस है, अच्छा तो ये छोटा तो नहीं है कि थोड़े पानी से पाक हो जाए। इसे लेकर चलते हैं दरिया, दरिया में नहर में ले जाके डुबकी लगाई और अब लेके आए। तो पहले तो बैठे बैठे कह रहा था कि नजीस है, अब हम बढ़ रहे हैं वो भाग रहा है। क्या कहने, नजीस है नजीस है, मैंने कहा पाक करके लाए। क्या कहने, करके लाए हैं, वो भागा जा रहा है, कह रहा पाक नहीं हुआ ये ले जाओ। हमने कहा तो फिर भाग क्यों रहा है, पहले भी तो लेके आए थे, कहा था उसमें और अब जब तक तुम वैसे लाए थे खुश्क था, खुद ही नजीस था, अब तुम दरिया में डुबो के लाए हो। साहब रहमत पैगंबर इस्लाम बरस रहा था, जो पाक करने की सलाहियत रखते थे पाक होने की, वो फारस से आके सलमान पाक बने। जिनमें सलाहियत नहीं थी वो ऐसे नजीस हुए कि नस्लों को नजीस कर रहे हैं। जहाँ जिन लोगों को जिम्मेदारी खल्लाके कायनात ने दी है हिदायत की, हमें ये सारी खुसूसियतें रखी है। पैगंबर को भेजा गया, देखा नहीं, कहा गया सब पैगंबर इस्लाम से कहा गया, उनको तज़किये के लिए भेजा गया। وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مُعَلِّمٌ بَنَائِكَ دیکھیں ایک عالم ہوتا ہے ایک معلم ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ایک پاک ہوتا ہے ایک پاک کرنے والا ہوتا ہے پیغمبر کو بھیجا اس نے پاک کرنے والا بنا کر یہ فکر انسانی کہتی ہے کہ پیغمبر العیاذ باللہ نبیوں میں سب سے زیادہ خراب دل لے کے آئے تھے جس کو اس نے پاک کرنے والا بنا کر بھیجا وہ پورے انبیاء کی تاریخ میں کہیں نہیں ہے کہ جن کو دبوچا ہو جبریل نے پکڑا ہو آپریشن کیا ہو سیاہ نقطہ سا आप बताएं ऐसा नबी हमारे सामने पेश करे कोई और फिर हमसे ये कहे कि तुम नबी को नहीं मानते। अल्लाह हू अकबर, वाकई ना ऐसे नबी को तो नहीं मानते।
मैं पाक कर रहे हैं, वादा बना कर भेजा गया, दावत तस्किया नफ्स देने वाला, लोगों को पाको पाकीज़ा बनाने वाला, अपनी हिदायतों के जरिए। तो एक मेयार तो यही है कि जो नौए इंसानी की हिदायत के लिए आए उसे मुअल्लिम भी होना चाहिए, उसे मुज़क्की भी होना चाहिए, वो पाक करने की सलाहियत भी रखता हो। अब जिनकी किस्मत में या जिनकी नौइयत में तहारत और तस्किया ना हो उसमें उनका कसूर नहीं है, उसूर वाला उसमें सलाहियत ही नहीं है पाक होने की। तो इस तरह की कुरान मजीद बता रहा हिदायत बराह रास्त अल्लाह की जानिब से हो, अल्लाह किसी को मुअय्यन करेगा, मुकर्रर करेगा, हिदायतें उसके फिक्र का नतीजा नहीं होगी। बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में जो हिदायत करने वाला है नौ इंसान की उसके फिक्र का नतीजा नहीं होगी, वो तो हिदायतें वहां से हासिल करेगा और पहुंचा देगा, उसमें ना उसकी फिक्र होगी, ना उसकी राय होगी, ना उसके ख्वाहिशात होंगे, ना उसका इल्मी तखमीना होगा। वो इज्तिहाद की बुनियाद के ऊपर हिदायत नहीं करेगा। यही आयत मुबारका कह रही है वजअलनाहुम अइमतन यहदून बिअम्रिना, हमने उनको इमाम बनाया, वो हिदायत करते हैं मैं हमारे हुक्म से, वो हिदायत अपने ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं करते, अपनी पसंद की बुनियाद पर नहीं करते। अब आप गौर करें यही बारह आदमी रुक जाए, इलाही रहनुमा और इलाही हादी वो होता है जो हासिल वहां से करे और लोगों तक पहुंचाए। और यह सिलसिला चूंकि जरूरत रहेगी जब तक इंसान इस दुनिया के अंदर है, हिदायतों की जरूरत रहेगी, जब हिदायतों की जरूरत रहेगी तो एक हादी को रहना है। मैं जुमला बार बार कहा करता हूँ कि अल्लाह ने नबुव्वत को खत्म किया है, सिलसिला हिदायत को खत्म नहीं किया। इंसान कहे कि अब कुछ है ही नहीं है हमारे पास, खत्म नबुव्वत, वाकया तो यह है हुजूर वाला, खत्म नबुव्वत की कोई तौजीह हो ही नहीं सकती अगर सिलसिला इमामत को तस्लीम न किया जाए। सिलसिला इमामत अगर रहो तो कहा ही जाएगा, कहा दुनिया अभी मोहताज हिदायत है, नबुव्वत खत्म हो गई, जिस काम के लिए अंबिया साहब आए थे वो काम पूरा हो गया, अंबिया को जिस लिए भेजा गया था वो काम हुआ, वो काम तो पूरा हुआ नहीं तो फिर खत्म क्यों हो गया। और अगर अल्लाह तो बिल्ला अल्लाह मायूसी ही हो गया है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो पहले ही उसने खत्म कर दिया होता, नबी के बाद नबी, नबी के बाद नबी, नबी के बाद नबी आते रहे, तो किस इंतजार में, शायद लोग अब भी सुधर जाए, शायद लोग अब भी सुधर जाए, शायद लोग अब भी सुधर जाए, तो चलता रहा चलता रहा। तो क्या अल्लाह अलाया तो बिल्ला आखिरी नबी के बाद बिल्कुल तय कर लिया उसने कब क्या सभी सुधरेंगे? नहीं, अब इंसान ऐसे ही कयामत आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब है कि इब्लीस की फतह हो गई। तो अगर इंसानों को बहका के इब्लीस अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा और अल्लाह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा, वो चाहता पूरी दुनिया अदल व इंसाफ की दुनिया रहे, इसी सिलसिले में तो उसने अंबिया भेजे, तो अंबिया आए, रसूल आए, किताबें आई और पैगंबर कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं बस, अब इसके बाद कोई नहीं आएगा, तो ना आप किताब आएगी ना नबी आएगा। एक लाख 24,000 अंबिया आए, क्या हुए? कहा लोगों ने कत्ल कर दिया। इतने सहीफे किताबें आई, क्या हुआ? कहा लोगों ने सबको मिटा दिया। एक शरीयत के बाद हजारों अंबिया आते थे उसको बचाने के लिए,
और जालिम कुव्वतें अंबिया को कत्ल कर देती थी, किताब को मिटा देती थी। और यह नबी कहेगा कि हम ये किताब छोड़कर जा रहे हैं, बचाएगी। कहेगा हम किताब छोड़ के जाए, किताब बचाएगी। बेचारे सुनने वाले क्या कर सोचेंगे। तो वाकई अगर नबी ने सिर्फ इतना कहा होता कि मैं जा रहा हूं, मेरे बात कोई नहीं, तब तो जाहिली निजाम के लिए ईद का दिन हो जाता। लेकिन उसके बाद जो कह दिया, अकेला नहीं छोड़ के जा रहा हूं। वही बात जो हम कह रहे थे कि खत्म नबूवत की तौजीह क्या होगी। कहा नबूवत खत्म हो रही है, हिदायत नहीं खत्म होगी। हिदायत के लिए कुरान मजीद रहेगा और हिफाजत के लिए इमामत का सिलसिला रहेगा। इसीलिए कुरान मजीद के साथ जो आप सुनते रहते हैं, कुरान मजीद के साथ पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह वही तरती अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहमा लन तज़िल्लु बादी। दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताब और इतरत। अच्छा आप वाकई सही बताएं, पैगंबर ना छोड़ के जाते तो क्या होता, किताब भाई वो छोड़ के जाए ना जाए वो तो छूट ही जाएगी। क्या पैगंबर कहता है मैं जाने वाला हूँ जिसके जिसके पास किताब के औराक हो या जहां जहां लिखा हो सब लाओ जमा कर दो मैं लेके जाऊंगा, नहीं होता। तो जो हाफिजान है कुरान थे उनका क्या होता, कलेजे से कुर्चे जाते, दिमागों से निकाला जाता। भाई तो वो तो आप छोड़ के जाए ना जाए वो तो छूट ही जाएगा, ये कौन सा ऐलान हुआ। तो ऐलान की बुनियाद कुरान नहीं है, वो तो छूट ही जाएगा। सब जानते हैं हजारों की तादाद में या रसूलल्लाह ये क्या कुरान मजीद छोड़ के जा रहे हैं। ये तो देखो और क्या कह रहा है, क्या सूरह बकरा में आयत है मौजूद, जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो कुफ्फारे कुरैश ने कहना शुरू किया जब किताब है, इस किताब से कुछ लोग गुमराह होते हैं कुछ लोग हिदायत पाते हैं। अब आप सोचिए इसी कुरान मजीद को छोड़ कर जा रहे हैं, तो कुरान मजीद नाजिल हो रहा था इस बात की तरदीद अल्लाह कर सकता था, आयत नाजिल होती है रसूल कुफार कुरैश बकवास करते हैं इससे कोई गुमराह नहीं होता, हम यही मतवक्के हैं कि ऐसी ही आयत अब नाजिल होगी। लेकिन आगे ऐसी कोई आयत है, ऐसी आयत कोई नहीं है, उसके अंदर है ला युज़िल्लु भाई इल्ला फासिकून, इस कुरान मजीद से कोई गुमराह नहीं होता अलावा फासिक के, इसका मतलब इम्कान है गुमराही। पूरी तरदीद नहीं की है कुरान मजीद, कुरान मजीद ने तरदीद तो की है लेकिन तरमीम के साथ। वो कह रहे थे कि इससे कुछ लोग हिदायत पाते हैं कुछ गुमराह हो जाते हैं, कुरान मजीद ने कहा कोई गुमराह नहीं होता है अलावा फासिक के। अब आप देखिए वो कह रहा है कुरान मजीद, यानी फासिक गुमराह होते हैं। अब पैगंबर क्या कह रहे हैं, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह है वही तरती अहले बैती माइन तमस्तक तुम बहमा लन तज़िल्लू बादी। कुरान कह रहा है कि फासिक गुमराह हो सकते हैं, पैगंबर कह रहे हैं कि अगर कुरान और इतरत को साथ रखोगे तो हर किस गुमराह ना हो। बात है से गुमराह हो जाते पैगंबर कह रहे हैं इन दोनों को साथ रखोगे तो हर किस गुमराह ना होगे। पहचाना आपने, फासिक उसे कहते हैं जो सिर्फ कुरान को ले लेता है उसको छोड़ देता है। सलावत नारे हैदरी। पैगंबर कह रहे हैं हर किस गुमराह नहीं हो। हमने कहा या रसूलल्लाह कुरान मजीद आप छोड़कर जा रहे हैं तो बड़ी खतरनाक किताब है, खतरनाक है, इसलिए कुछ लोग गुमराह हो जाएंगे।
का मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, अगर कोई आधा नुस्खा इस्तेमाल करे नहीं आधा तो नहीं बल्कि यूं कहिए कि वो डॉक्टर साहब ने हमने कहा दर्द है सारा है, उन्होंने दो टैबलेट लिख दी, एक ही हमने कहा ये दो कैसी बीमारी तो एक ही है और उसने ये टैबलेट खाई है ये जरूर खा लिया है और ना रिएक्शन करेगी। हमने कहा अच्छा असल दवा यही है तो यही काफी है, यही काफी है तो अगर वो खा ली तो रिएक्शन तो होगा। पैगंबर यही बताना चाह रहे हैं पूरे उम्मत मुस्लिमा पर कुरान मजीद का रिएक्शन हुआ, बजाय हिदायत पाने के उससे गुमराह हो रहे हैं, बजाय हिदायत पाने के अरे जिससे कहिए जितना फिरका है जिससे कहिए ये काम कैसे करते हो कुरान मजीद में लिखा, एक ही कुरान उसका पढ़ने वाला कहता अल्लाह दिखाई देगा, दूसरा कहता अल्लाह नहीं दिखाई देगा, जो कह रहा है कि अल्लाह दिखाई देगा वो भी कुरान मजीद की आयत बताता है। बहुत सी चीजें आप जानते हैं इस तरह की, बहुत सी चीजें वो भी वही आयत पढ़ रहा हम भी वही आयत पढ़ रहे हैं, वो कहता है ऐसे धो हम कहते हैं ऐसे धो तो इसको तहज्जुद कौन करेगा, इसको मुअय्यन कौन करेगा, वही मुअय्यन करेगा कि जिसको किताब दी गई हो। कुरान मजीद जब नाजिल हो रहा था तो आयत है उसके अंदर आप पढ़ते हैं लानजल्ला हाजल कुरान अला जबलिन ला रायतु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशयतिल्लाह, अगर हम इस कुरान मजीद को पहाड़ पर नाजिल करते तो खौफ इलाही से पाश पाश हो जाता, तो कहाँ नाजिल हो फिर, कहाँ नाजिल हो, नज़ल बहिर रूहुल अमीन वाला कल्बिक, ये पैगंबर ये कुरान मजीद लेकर जिब्रील अमीन आपके कल्ब पर नाज़िल हुए। तो कुरान मजीद एक ऐसा है, वही कुरान मजीद बच्चे गले में लटका रहता है, हमारे घरों के ताख्तों पर रखा रहता है, ये हुआ क्या तो पहाड़ पाश पाश हो रहा था। इसका मतलब है कि एक है कुरान एक है तस्वीर कुरान, दोनों का फर्क होता है नहीं होता, हिमालय पहाड़ की तस्वीर आप जेब में रख सकते हैं नहीं रख सकते, तस्वीर ये अक्सर कुरान है, वो कुरान जिसके लिए कल्ब पैगंबर का इंतखाब हुआ था वो अगर छोड़ा जाएगा तो उसके लिए कल्ब पैगंबर जैसे कल्ब की जरूरत है। ये कल्ब पैगंबर ही की तरह के कल्ब की निशानदेही है, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह वहितरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बहमा लन तज़िल्लु बादी, हर किस गुमराह हो। तो ये पैगंबर उनके हवाले करके जा रहे हैं कुरान मजीद, और पैगंबर में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं और कुछ नहीं छोड़ के गए, हिदायत के लिए और पैगंबर कुछ नहीं छोड़ के गए, अजवाज नहीं छोड़ के गए, एक दो होते तो तारीख में गुम हो जाती, वहां दर्जन वर्ष के करीब है, छोड़ के गए नहीं कर। अच्छा कोई ये नहीं कह सकता इस्लामी फिरकों में से कि हम अजवाज पैगंबर से कोई हिदायत नहीं लेंगे, कम ज्यादा सुनी ने कुछ ना कुछ लिया है, असहाब नहीं छोड़ के गए तो असहाब भी छोड़ के गए, अजवाज भी छोड़ के गए, कुरान भी छोड़ के गए, इतरत भी छोड़ के गए, लेकिन कह रहे हैं हम दो चीजें छोड़ के जा रहा, तो क्या हम ये तय कर लें कि अजवाज से कोई बात नहीं सुनेंगे, असहाब से कोई बात नहीं सुनेंगे, कोई भी नहीं कहता ये, अजवाज ने कहा आ जाओ उससे भी हिदायत ली जा रही है, असहाब ने जो कहा उससे भी हिदायत ली जा रही है, फिर पैगंबर ने दो ही क्यों कहा, कहा हमने पैमाना बताया और पैमाना उसको करार दिया है जिसके अंदर कोई शुभा नहीं हो सकता,
कुरान को इसलिए बताया, हदीस नहीं कहा, हदीस नहीं कहा, कुरान कहा, हदीस क्यों नहीं कहा, हदीस में झूठी हदीसें भी मिली हुई, इसलिए उसको पैमाना नहीं बनाया। कहा तो फिर इसको न ले, कहा नहीं लेना तो, लेकिन कुरान पर तौल लेता। यानी पैगंबर अफराद को भी छोड़ के गए और अकवाल को भी छोड़ के गए, लेकिन उसको हवाले नहीं किया है, उसको पैमाने नहीं बनाया है। इधर किताब उधर अफराद का, जब ये जांचना हो कि हदीस सही है या नहीं, तो कुरान से मिलाकर देखना, अगर मेल खा जाए तो ले लेना, वरना दीवार पर मान लेना। इसी से बात समझ में आ गई, पैगंबर अफराद भी छोड़ कर गए और अकवाल भी छोड़ कर गए। कौल को परखना हो तो कुरान से मिलाकर देखो, अगर मेल खाए तो ले लो वरना दीवार पर मार दो, और अगर अफराद को परखना हो तो अहले बैत से मिलाकर देखो, अगर इनसे मेल खाए तो दीवार पर मार दो। गुलाबों में खुशबू जरूर होगी, गुलाबों में खुशबू जरूर होगी, हौज़े कौसर पे मोमन की प्यास दूर होगी। गुलाबों में खुशबू जरूर होगी, हौज़े कौसर पे मोमन की प्यास दूर होगी, नबी की पुश्त पर बैठकर, नबी की पुश्त पर बैठकर कहते थे हुसैन, नबी की पुश्त पर बैठकर कहते थे हुसैन, जिसके दिल के अंदर है हुसैन उसकी नमाज कबूल होगी। नाराए हैदरी, तो वो नस्ल अल्लाह का कायनात ने इस कायनात के अंदर रखी कि जो हिदायतों की हिफाजत करने वाला, जो अल्लाह से हिदायत हासिल करके दुनिया तक पहुंचाने वाला, वो साख्ता हिदायत नहीं है, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। वह जाल्ला हम आय मत यादून अब अमराना, यही वही सिलसिला है जो सारे अंबिया से, अगर अपने ख्वाहिशात को उन्होंने दुनिया तक पहुंचाया तो वो अल्लाह की हिदायत है। अंबिया उसी तरह से इस सारे अंबिया की इमामतों का तस्करा, ये इमामतें चलती हिदायत वहां से। अब अगर इस मसले को जहन में रखा जाए कि ये वो करते हैं जिसकी हिदायत वहां से हो, ये जो अक्सर होता है हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, इन्होंने ये क्यों किया, इन्होंने ये क्यों किया, हम ये सोच आइम्मा की तारीख जब पढ़ते हैं मासूमीन की, तो अक्सर ये वसवसे से पैदा होते हैं, इन्होंने ये क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया। सबका जवाब एक है, इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि अल्लाह ने चाहा। ये पाबंदे मशीयत है, ये हमारे एतवार से अपनी फिक्र की बुनियाद पर, अपने जज्बात की बुनियाद पर, अपने ख्वाहिशात की बुनियाद पर। मैं अक्सर कहा करता हूँ, आप एक छोटी सी बात जो हर बच्चों को मालूम है, मौलाए कायनात की शजाअत, फन ज़र्ब व हर्ब, उनकी जंग, उनके गज़वात सब जानते हैं। 25 साल की उम्र तक मौलाए कायनात ने कितनी जंग की, कितनी जंग की, कोई जंग? खाने काबा के विलायत से लेके हिजरत तक कोई जंग की? 25 साल की उम्र कैसी होती है? जंगे सिफीन में जनाब मोहम्मद हनफिया सिर्फ 16 साल के थे, सिर्फ 16 साल के थे जनाब मोहम्मद हनफिया, और उन्होंने कुश्तों का पुश्ते लगा दिए, इतने कत्ल किए दुश्मनों को, एक मरतबा उन्हें एहसास हुआ और आकर कहा बाबा आज तो हमने आपसे भी ज्यादा कत्ल किए। मलाई काना तक कहा, लेकिन यह फर्क है कि तुम्हारे सामने जो गर्दन आ गई उसको तुमने काट दिया और हमने असलाब का जायजा लिया। तो ये 16 साल की उम्र जंग की ये होती है, हमारे कायनात की उम्र तो 25 साल हो गई, कोई जंग नहीं।
तो हम तो ये सोचते हैं कि ये क्या जंग करेंगे। लेकिन फिर 10 साल तक लगभग मुसलसल जंग करते रहे, और जैसी जंग की वो सब सुनते हैं सुनते हैं, और उसके बाद फिर खामोश हो गए, खामोश। एक दो दिन नहीं, लगभग फिर 25 साल खामोश। और उसी को देख कर लोग कहने लगे कि डर गए मौत से। बोला कायनात ने कहा, जी भाई लोग, अगर मैं अपने हक के मुतालबे के लिए उठता हूं तो कहते हैं हर साल मुल्क लालच कर दी है इक्तदार मुल्क की, और मैं अब खामोश होकर बैठा हूं तो कहते हैं खाफा अनिल मौत, मौत से डर गया। वल्ला है लबना अभी तालबिन हान सब मौत बिन तिफल बिते मेरा तिफल बिस्सा दिया हूँ मैं, हम और मौत से डर जाएंगे। अबू तालिब का लाडला मौत से उससे ज्यादा मानूस है जितने बच्चे अपनी माँ की छाती से मानूस है। खामोश हो। और उसके बाद फिर आखिर उम्र में 3 जंगें की, जंगे लहरवान, जंगे जमल और जंगे सिफीन। और तलवार अली की बता कह रही थी गोया कि काट देख कर मिलाओ, खैबर की काट से अलग तो नहीं है, खंदक की काट से अलग तो नहीं है। नारे हैदरी। और उसी काट को देख कर लोग समझते थे कि ये अली के अलावा कोई नहीं है। क्या है, हम इसको अपने मेयार से चाचे, हम अपने यार से अली कहे गए। बात यह है कि तुम अपनी तवानाइयों पर कयास करते हो, तुम दस्तों बाजू की बुनियाद पर जंग करना चाहते हो, हम मशीयत के इशारे पर जंग करते हो। मशीयत के इशारे पर वहां ये पाबंदियां नहीं है कि अब उम्र ज्यादा हो गई है या उम्र कम है, न कम उम्री वाले होती है न ज्यादा उम्र हो जाना। तो इमामत की जब तारीख पढ़े तो इस लहज से पढ़ना कि ये पाबंद मशीयत हैं, ये पाबंद मशीयत, अल्लाह ने इनको मुकम्मल इख्तियार और इक्तदार दिया, तसव्वुर ही नहीं कर सकता। और वाकई ये बात हमारे बच्चों को याद रखने की है, अइम्मा ने वो नहीं करके दिखाया कि जो वो कर सकते थे, उतना करके दिखाया जितना हमको जरूरत थी, जिसके जरिए हम उनकी मारफत आते, वरना उनके इख्तियार का हम अंदाजा नहीं कर सकते, उनके इख्तदार का हम अंदाजा नहीं कर सकते कितना इख्तियार होगा। मैं अक्सर मिसाल देता रहता हूँ दूरे वाला, मामूली गली कूचों के या कुरान मजीद के अल्फाज के विर्द करने वाले आलम इस्लामी में साहब इख्तियार माने जाते हैं, हमको भी बना देते हैं, बंद तोहिन नहीं कर रहा हूँ कुरान मजीद की, वाकई ना असरात हैं। मौलाना के पास हम पहुँचे, मौलाना मुखाकिल बहुत परेशान है, एक दुश्मन लगा हुआ है, पड़ोसी बड़ा परेशान, ये आयत पढ़ होता है नहीं होता है, हाकिम से के खौफ जदा है, दुश्मन से खौफ जदा है, इससे खौफ जदा है, उससे आयत पढ़ो, फला मुसीबत में अकायद में आयत पढ़ो। हम पढ़ते हैं, हम उन अल्फाज के मानी तक नहीं जानते, सिर्फ विर्द करते हैं, तो हम इतने साहिब इख्तियार हो जाते हैं कि जालिम के जुल्म से बच जाते हैं। सुभानल्लाह 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 सुभानल्लाह, साहिब इख्तियार हो जाते हैं, क्या बात, साहिब इख्तियार बन के भाई हम ये पढ़ेंगे हो जाएगा, वो पढ़ेंगे हो जाएगा। अब आप गौर करेंगे कि जो लोग शरीक कुरान थे, जो लोग वारिस कुरान थे, उनके इख्तियार क्या होंगे। तो उनके जब इतने वसी इख्तियार थे तो पढ़ता हूँ, हम सोचते हैं जब इतने वसी इख्तियार थे तो इतनी मुसीबतें कैसे। ये सब हम इसलिए सोचते हैं कि हम उन इख्तियारात को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करने के आदि। मोहम्मद यही बताना चाहते हैं कि इख्तियारात तो हमारे वसी हैं,
लेकिन हम इख्तियार को जात के लिए इस्तेमाल नहीं करते, दीन के लिए इस्तेमाल। दीन को जिस चीज की जरूरत हो, अगर हमारे हमारी मुसीबतों की जरूरत है दीन को, हमारी मुसीबतें जो है वही जरिया है हिदायत है, और हमको हादी बनाकर भेजा गया। किसमें हिम्मत थी कि इन साहिबान इक्तदार के गले में कोई रस्सी डाल दे, कोई जामे जहर पेश कर दे, कोई हाथों में हथकड़ी डाल दे, पैरों में बेड़ी डाल दे। ये सारी मुसीबतें आले मोहम्मद की मजबूरी नहीं थी, बल्कि दीन की जरूरत। इस फलसफे को समझना होगा, आले मोहम्मद की, और यही तो है जब इख्तियार की जरूरत पड़ी दीन के एतबार से। आपने देखा नहीं, मूसब ना जाफर इमाम इमाम मूसिया कादिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी कैद खाने में गुजर गई, जिंदान में जयीफी और पीटी गुजर गए, पूरी जिंदगी गुजर गई। और दारोगा जिंदा देखता था, और जिंदा में यानी कैद खाने में भी जंजीरें बेड़ियां हथकड़ियां सब थी, और दर जिंदा मुकफल रहता था भाई वहां जिंदगी बसर कर रहे। एक दिन दारोगा जिंदा से कहा, आज की रात में अपने फर्जंद अली जिब्न मूसा यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए जाऊंगा। कहा मदीने बगदाद में कैद है। आप कैसे जाएंगे, चटकड़ियाँ बेड़ियाँ जंजीरें दर जिंदा बंद है कुफ लगा हुआ, आप जाएंगे कैसे। मुस्कुराए मौला का, अच्छा जब रात होगी तब देखना, और ये जरूरत दीन है, रमूज़े इमामत मुंतकिल कर रहा है। दारोगा जिंदा देखता रहा, एक मरतबा इमाम ने देखा जंजीरें हटी, बेड़ियाँ कटी, हथकड़ी हटी, इमाम आराम से निकले, कुफले जिंदा टूटा। इमाम शाह रहा है बगदाद से जा रहे थे, जहाँ आप सकते हैं कि इमाम गुजर रहा है और दीवारें झुक झुक के ताजीम कर। इमाम वापस आए, वही कैद खाना, फिर वही जिंदा, फिर वही हथकड़ी, फिर वही बेड़ी, पूरी जिंदगी को हिदायत नामा बनाया। यही चाह रहा, वो एक अलग तज्जह तारीख इमामत है कि वो तो बड़ा तवील किस्सा है कि अगर आप देखें किस आयत में किस इमाम के किस काम की जरूरत थी वहां और उससे क्या काम लिया। तो आइम्मा को की तारीख के पढ़ते वक्त ये बात हमेशा जहन में रहे, इन्होंने ये क्यों किया, ये क्यों किया, उसका एक जवाब है, इन्होंने ये इसलिए किया कि अल्लाह ने चाहा। इसलिए इनका बराह रास्त रब्ता है, और जब ये किसी की हिदायत करते हैं तो अपनी तरफ से नहीं। और ऐसे अफराद इनके बारे में कुरान मजीद कहता है, यही वो लोग आखिरी फिक्रा है उसको अर्ज करो, तो कानू लड़ा बेटी, ऐसे वो लोग हैं जो हमारे ही इबादत गुजार है। जब इंसान पाबंद ख्वाहिशात हो जाता है तो वो तो उसका बंदा हो जाता है, या जाती ख्वाहिशात का सवाल नहीं पैदा होता। वरना किसमें मजाल थी उजूरे वाला कि अली के गले में रस्सी डाल दें, किसकी मजाल थी कि दर फातिमा पर लकड़ियाँ इकट्ठा कर लें, किसकी मजाल थी कि पहलुए फातिमा जहरा को शिकस्ता कर दे। लेकिन यही वो चीजें हैं, आप एक हल्की सी बात है, बातिल कैसा ही हो अगर मुआशरे में मोहतरम करार पा जाए तो उसके चेहरे से नकाब नोचना बहुत मुश्किल है। एक मुख्तसर से गुफ्तगु है ये, अगर आप इस पर गौर करें ये पूरी मजलिस है। सैयदा ने अपने पहलू पर दरवाजे का बोझ तो बर्दाश्त कर लिया,
लेकिन मोहतरम चेहरे की नकाब उतर गई। आज 1400 साल के बाद हम जालिमों को कैसे पहचानते हैं, किस तरह से पहचानते हैं? इतने मसाहिब मदीने में इकट्ठा हो गए कि आप जानते हैं कि पैगंबर की बेटी को कहना पड़ा सुब्बत अल जब साहिब सुब्बत अलैया में सिर न लया लया। आप कह सकते हैं ये दुख्तर पैगंबर आप पर कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी? कहा देखो और मेरे दरवाजे तक आओ तुम्हें मालूम होगा अली के गले में रस्सियां हैं, पहलू शिकस्ता है, मोहसिन शहीद हो गए हैं। किस फातिमा की गुफ्तगू हो रही है? वही फातिमा कि जिनके बारे में यहूदी से जाके इमाम हसन ने कहा था मेरे भाई हुसैन को तुमने छुपा रखा है, उसे आज़ाद कर दे वरना जान ले मेरी माँ खातून कयामत वो है कि अगर उनके लबों पर एक आह आ गई तो रुए जमीन पर कभी कोई यहूदी नहीं रहेगा। ये वो साहिब इख्तियार है, ये मजालिम बर्दाश्त किए ताकि इन चेहरों को पहचाना जाए जो दीन खुदा को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। कहेंगे ये मुसीबत कम है कि अली के गले में रस्सियाँ डाली गई? वाकई बड़ी मुसीबत है। और याद जान रखे वो सारे मसाइब जो दर फातिमा पर में खड़े होकर हम देख रहे हैं, अगर वो मसाइब मदीने में ना हुए होते, वो मजालिम मदीने में ना हुए होते तो करबला के ये मसाइल मसाइब और ये मजालिम नजर ना आते, ये उसी की तरक्की याफ्ता। अगर अली के गले में रस्सियां वहां न पड़ी होती तो बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तौके खारदा, अगर वहां फातिमा के रोने पर पाबंदी न लगी होती तो यहाँ सकीना के रोने पर उनके रुखसार पर तमाचे न लगाए, अगर वहां लकड़ियां इकट्ठा न की गई होती दर फातिमा जलाने के लिए तो यहाँ खयाम हुसैनी में आग न लगी। तो ये सारे सारे मजालिम में चेहरे पहचानते जाओ और पहचानते जाओ कि दीन का दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आप देख रहे हैं बीमार करबला की तारीख मजलिस उन्हीं से मंसूबा है, ये खुद एक बड़ी तफसील तलब गुफ्तगू है कि आप गौर करें मसाइब का एक तवील अरसा तसलसल के साथ, इतना तवील अरसा तसलसल के साथ। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि फरजंदे पैगम मजलूम करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला में तशरीफ लाए उस काफिले के साथ और बीमार हो गए, और यही फरजंद हुसैन इब्ने अली का बच गया जो काफिला सालार बन गया। और फिर कोई तारीख लाकर हम ये समझते हैं कि वही बीमार बेटा काफिला सालार बन के गया और कैद खाने से जब रिहाई मिली तो उस काफिले को उसने मदीने तक पहुंचा दिया। यह तारीख हमारे सामने, लेकिन ये तारीख इतनी नहीं है। 61 हिजरी में वाकये करबला और 95 हिजरी में शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और आप यकीन जानिए इस पूरी मुद्दत में एक दिन भी राहत का इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए एक दिन भी। लेकिन वो मनसब इमामत की वो जिम्मेदारी जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मुतालिक थी बड़ी सख्त, बड़ी सख्त। जो सैयद साजिदीन भी है, ज़ैनुल आबिदीन भी है और सैयद साबिरीन भी है। सब्र की कहानियां बहुत से साहिबान मनसब से वाबस्ता है, लेकिन वाकई इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सोचे आप एक तरफ अख्तियार आते हैं जिसकी मुट्ठी में तकदीर कायनात हो उसके मसाइब हर काम पर जहां देखे आप गौर करें। करबला में औलाद अकील हो, औलाद जाफर हो, औलाद अली इब्ने अबी तालिब हो, सब गए कुर्बान हो गए,
सबकी कुर्बानी पेश कर दी गई। मसाइब के मरहलों से गुजरना और मसाइब को झेलकर शहरक कटा देना बड़ा मसला है। मतलब है करबला के मसाइब में ये बात किसी ने कही है और वाकई और करने की है। शहीद होते थे शब्बीर हर शहीद के साथ। एक पर्दा जाकर मैदान में कहते हो जाना हो रहे शहीद होते थे शब्बीर हर शहीद के साथ। हुसैन गुजरे कई बार करबलाओं से। करबलाओं से गुजरना मगर हुसैन की करबला भी असर आशूर खत्म हो। लेकिन हुसैन का ये बीमार बेटा से मालूम था कि हमारे फराइज क्या है। इमाम ऐसा नहीं जानते नहीं थे, नाम सब जानते थे कि हमारे फराइज क्या है। और वो जानते थे कि सब जाएंगे और कुर्बान हो जाएंगे शहीद हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं, बीमार हैं। और यही वजह है कि जब रुख्सत आखिर के लिए मजलूम करबला तशरीफ लाए तो सानिया जहरा जैनब कुबरा ने आके भतीजे का बाजू मिला। पारा जिगर रुख्सत आखिर के लिए तुम्हारे बाबा आ गए। आँख खोल कर देखा, अजब आलम में देखा, देखा तो पूरा जिसमे नाजरीन है इमामत जख्मों से चूर चूर। सोचिए हमारा करबला के जानते हैं हमारा मनसब क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या, सख्त इमामत के जिस पर इसीलिए सवाल किया। इसलिए कि तस्वुर नहीं हो सकता कि कोई सहाबी हुसैन का मौजूद रहे और जिसपे इमाम पर थोड़ी जख्मा जाए। इसलिए पूछा आयना आयना जुहैर, बाबा जुहैर कहाँ है? का कत कुतिल, वो तो कत्ल कर दिएगा। और हबीब इब्न बदाहिर कहाँ है? का वो भी कत्ल कर दिएगा। अब साहब के बारे में एक तस्वुर हुआ और उसके बाद पूछा वायना आयना अब्बुल अब्बास। लेकिन तस्वुर नहीं हो सकता, अब्बास वहाफिज है, अब्बास तासिर हुसैन है, अब्बास की मौजूदगी में सब इतने इमामत के जिस पर आवाज दी मेरे और तुम्हारे अलावा कोई जिंदा नहीं, मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई जिंदा नहीं है। और बच्चे सुनना था, आप सोचे जज्बात है बीमार करबला क्या है और फराइज का एहसास क्या है। आवाज ही फूपी, अम्मा जरा आसा ला दीजिए, तलवार ला दीजिए। कहा बेटा क्या करोगे? कहा मैं कमजोर हूँ, आसा पर आसा पर सहारा करूँगा, तलवार से जिहाद करूँगा। अब वजाहत कर दी दूसरे इमाम ने फौरन लिपटा, काल नहीं बेटा, इस लुटे हुए काफिले के काफिला सालार इमामत की जिम्मेदारियाँ तुम्हारी। अब आप सोचे इस तरह के न जाने कितने मरहले आते रहे और ये 35 साल करबला के बाद। मैंने अर्ज किया ना, कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जो बीमार करबला के लिए मुसीबतों से अलग रहा हो। तबलीग की जिम्मेदारियां तो करबला में सुनते 72 शहीद हो गए, उठा हुआ काफिला आ गया। मदीने में जब हंगामे शुरू हुए तो जो वाकई हर्रा के नाम से वाकई याद किया जाता, पूरा लश्कर आ गया मदीने के, सबने बयात तोड़ दी, गवर्नर को भगा दिया। अब जो आया तो उसने कितना ताराज किया मदीना, और सबसे जबरदस्ती बयात ली गई, सबसे पूरे मदीने से बयात ली जा रही है। और इमाम मंजर देख रहे हैं, मस्जिद नबी में घोड़े बांधे गए। तारीख कहती वाकई हर्रा के नतीजे में 10,000 नाजायज बच्चे पैदा। ये मदीनतुर रसूल का अल्लाह की हिदायत वाले जरूरतों के लिए क्या है। मैंने कहीं देखा 90 बनी हाशिम के अफराद कत्ल किए गए मदीने में। जिम्मेदारी इमाम की है खामोश सुकूत, तबलीग भी करनी है, राय इलाही की तरफ बुलाना भी है और इन हंगामी हालात से करारा कश भी रहना है। इमाम ने तकरीर नहीं की,
दुआओं को तकरीर बना दिया। जो खतीब का काम वो दुआओं से लिया, खिताबत का काम, तकरीर का काम दुआओं से लिया। सहीफा सज्जादिया, ज़बूर आले मोहम्मद, दो ही काम थे। अब आप सोचें, और इन दो कामों के जरिए अपनी सीरत को ऐसा रासिक किया दुनिया इस्लाम। मुसल्ला है और आंसू, सजदे हैं और आंसू। आंसुओं का आलम है कि वजू का पानी आता, आप सुनते रहते हैं, पानी देखते थे, करबला को याद करते। उस पानी में प्यासों का चेहरा नजर आता था, आंसू इतना गिरता था कि वजू के काबिल नहीं रह जाता था वो पानी। और फिर सजते ऐसे सजते, रवायत कहती है कि रात भर नमाजों में गुजारते थे और सुबह को इतना वर्म पैरों पर हो जाता था, पैर इतना सूज जाते थे कि जिस तरह बच्चे घुटनियां चलते हैं उस तरह से घुटनियां चल के अपने बिस्तर खाब तक। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि और अइमा ने भी रात भर इबादत की है। मौलाए कायनात की इबादत खुद बीमार करबला ने देख के कहा मेरी इबादत, कहा अली इब्न अबी तालिब, बावजूद इसके ज़ैनुल आबिदीन कहे जाते हैं। उनके पैरों को वर्म आ जाता था, उसकी वजह क्या थी? और अइमा की तारीख में ये नहीं मिलता, उसकी वजह यह थी मुद्दत दराज तक जो बेड़ियां पैरों में थी वो हड्डियों में पैवस्त हो गई थी। पैर इतने कमजोर हो गए थे कि मिनाल कहता कि मैंने दर जिंदा ने शाम पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा और उनकी पिंडलियां सूखी हुई टहनियों की तरह से पिंडलियां पैवस्त हो गई थी। वो इमाम थे और वो इमाम अपने 35 साल तक अहदे इमामत पे जिस तरह से तबलीग और दीन की हिफाजत करते रहे, दूसरे अइमा की तारीख में वो जहते नहीं मिलेंगी। लेकिन अजीब बात, आप गौर करें, लाख किनारा कश हो, लाख जिंदान में हो, लाख गोशा नशीन हो, लेकिन बातिल को उनका वजूद इस तरह से कटकता था। बातिल अपनी फतहबंदी और अपनी कामयाबियों में ऐसा राह का पत्थर समझते थे। वरना सोचें, जो इमाम आंसुओं में डूबा हुआ, जो इमाम मातम में डूबा हुआ, जो इमाम सोगवार हो, जो इमाम मुसल्ले और दुआओं के अलावा कहीं हमें ऐसा नहीं मिलता कि किसी से कुछ मुतालबा करने गया हो, उसका वजूद भी जालिम से बर्दाश्त नहीं है, जालिम से बर्दाश्त नहीं है। और वो तरीक़ा जो अक्सर इमामों के लिए इस्तेमाल किया गया, इमाम तक सहराया और इमाम दुनिया से चले गए। अब आप सोचें, ये अब ये पांचवा अहद इमामत शुरू हुआ। वाकई मैं सोचता हूँ इमाम मोहम्मद बाकिर के मसाहिब का सिलसिला भी एक अजीब और गरीब है। पूरी करबला जहनों के अंदर है, बचपन से करबला की शिरकत बचपन में, और इस इमाम ने मुसलसल 35 साल तक अपने बाप को आंसू बहाते हुए देखा और अब उनके हवाले कार इमामत है। लेकिन इमामा दे रहे हैं, मालिक तू जैसा चाहेगा उसी एतबार से तबलीग होगी और तेरे दीन की हिफाजत होगी। हम इमाम मोहम्मद बाकिर की खिदमत में आइए ताजियत पेश करें। मौला आपके सर से बाप का साया उड़ गया, आज अपनी आवाज़ दे, हाँ हाँ मेरे बाप का साया तो उड़ गया, लेकिन तुम्हें अगर रोना है और मातम करना है तो मेरे जिद्द मजलूम का मातम करो, जिनकी फरमाइश थी शरीयती महबा शरीफ तुम मजबाइन फत कुरूनी, ए मेरे शियो जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना और जब किसी की मुसीबत सुनना तो मेरा मतलब। सज्जाद का ताबूत मुबारक उठाइए, सज्जाद का ताबूत मुबारक उठाइए,
जहरा को पीट पीट के सर ये सुनाइए। बाकर पछाड़ खाते आकर मनाइए। आबिद का तौक आके